हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम करें हरियाणा जीके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उसी सीरीज को हम आगे करते हैं। आज की सीरीज के अंदर भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है। और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे तो ज़रूर देखना। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शीतकालीन वर्षा को हरियाणा में क्या कहा जाता है? शीतकालीन वर्षा को हरियाणा में क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शीतकालीन वर्षा को हरियाणा में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, ये याद कीजिएगा। और कई बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शीतकालीन वर्षा को तो बोलते हैं मावट, और सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से ज़िले के अंदर होती है? ये क्वेश्चन बनता है भाई कई बार, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से ज़िले में होती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और सबसे कम कौन से ज़िले में होती है ये भी बता दीजिएगा। दो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमने पढ़ा शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, शीतकालीन वर्षा को कहते हैं मावट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम हरियाणा के किस जिले में है? तो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम हरियाणा के किस जिले में आता है? पंचकूला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। नासा व इसरो द्वारा हरियाणा के किस जिले में प्राचीनतम सभ्यता की जांच की जाएगी? तो नासा व इसरो के द्वारा हरियाणा के कौन से ज़िले में जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसकी जांच की जाएगी? तो सबसे पुरानी सभ्यता की कौन से ज़िले में जांच की जाएगी? फतेहाबाद में। ये जो हमारी PDF है, इसके आंसर आपको पहले से ही टिक मिलेंगे। ये जो हमारे सेशन चले हुए हैं, इनके अंदर आपको हरियाणा प्रवेश एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो हरियाणा करंट से संबंधित क्वेश्चन या जो आगामी परीक्षा में हरियाणा जीके के न्यू पर्सन है, ये सभी मिक्स मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक सेशन में आप ज़रूर बने रहिएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। स्वर्ण जयंती महासंग्राम विकास योजना कितनी अवधि के लिए शुरू की गई? तो स्वर्ण जयंती महासंग्राम विकास योजना कितनी अवधि के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की है, ये पूछा है। तो कितने टाइम के लिए शुरू की थी ये की थी 5 वर्ष। कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। सलामती परियोजना का संबंध, तो सलामती परियोजना, सलाम करने वाली परियोजना किससे संबंधित आएगी? सलामती परियोजना परिवार नियोजन से। तो परिवार नियोजन सलामती परियोजना, सलामत रहे, ठीक है ना। तो सलामती परियोजना किसके लिए है? परिवार नियोजन के लिए, अपना परिवार को सलामत रखें, ये परिवार नियोजन से संबंध रहेगी। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। बाड़सा गांव में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कितने रुपए से बनाने की योजना है? तो कितने रुपए से बनाने की योजना आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर नजर आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा स्टेट ग्रांड मास्टर हिमांशु शर्मा को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई करंट का। हरियाणा स्टेट है जो ग्रांड मास्टर हिमांशु शर्मा को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा करता है? 5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, या 10 लाख रुपए की, या 7 लाख रुपए की? तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे पहले से टिक है, 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। राजीव गांधी तापी विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है हरियाणा में? पानीपत, यमुनानगर, गुड़गांव, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? गुरुग्राम। हरियाणा के जिलों के जो नए नाम हैं वो आप याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यमुनानगर के अंदर या केदार, केदार आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर नजर आ रहा है। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? केदार में। केदार कहाँ पर है? हिसार में। कई बार आपको ऑप्शन में हिसार भी मिल सकता, केदार भी मिल सकता, दोनों याद कीजिएगा। केदार मिले तो भी ठीक है, हिसार मिले तो भी आपके लिए ठीक है। राजीव गांधी तापी विद्युत परियोजना हिसार में, और ज़्यादातर ऑप्शन में हिसार ही मिलता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में
अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी, किसने की थी पूजा अर्चना पांडु पिंडारा के अंदर, कौरव चालुक्य यादव पांडव, पांडवों ने भाई पांडु पिंडारा के अंदर पूजा की थी। तो हर बार मेरे हर सेशन में महाभारत से संबंधित क्वेश्चन जरूर सेलेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार धर्मनगरी तीर्थनगरी से क्वेश्चन बनता है। तो ये याद कीजिएगा, तीर्थराज किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, और धर्मनगरी किसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ पर 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सरस्वती नदी के किनारे ज्योतिश्वर स्थान पर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जहाँ से कई बार HSC पूछती आई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर युद्ध चरित्र द्वारा लिखी गई। तो युद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, खुशीराम शर्मा के द्वारा। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, खुशीराम शर्मा के द्वारा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा है युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, खुशीराम शर्मा के द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। काफ़ी बार ये पुस्तक पूछी जाती है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरित्र आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जहाँ से HSC कई बार ये क्वेश्चन पूछती है। तो नेक्स्ट सेशन जो आपके लिए लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पिछले सेशन ज़रूर देखना। अगर आप पिछले सेशन बिना देखे ये सेशन देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हरियाणा जीके तो आप ज़रूर पढ़ते होंगे, और ये जो हमारे सेशन इनके अंदर हमने हरियाणा जीके के नए प्रश्न भी और जो प्रवेश एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न भी हैं, और जो हरियाणा करंट से संबंधित क्वेश्चन, जो हरियाणा करंट हर एग्ज़ाम में एक अपना अलग ही महत्व रखती है, वो क्वेश्चन भी आपको हमारे सेशन में देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा लंबे हम सेशन भी नहीं बनाते, छोटे छोटे सेशन बनाते हैं, 8 या 10 मिनट का हमारा सेशन होता है, और ज़्यादातर 8 ही मिनट का होता है, 8 से कम भी हो जाते हैं सेशन। तो ज़्यादा लंबे सेशन तो नेक्स्ट टाइम ही लेके आएंगे। तो जो भी अपने साथ न्यू जुड़ा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो हमारी काफ़ी सीरीज पोल्ट्री की भी बनाई थी हमने, तो वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि पोल्ट्री भी हर एग्ज़ाम में एक अपना अलग ही महत्व रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हमने MCQ क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं, और बीच बीच में हमारी शॉर्ट वीडियो भी आती है काफ़ी मोटिवेशन की, तो वो भी आप देखते रहिएगा। और जो आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए दोस्तों थैंक्स, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्शन देना। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं।